क्या है दूसरी रेसिपी? जिंजर आइसक्रीम विद लेमन सॉस। जिंजर आइसक्रीम विद लेमन सॉस, उसकी सामग्री बताएंगी क्या क्या है? सामग्री हमें लगने वाली है दूध, मिल्क पाउडर और शक्कर और अदरक का रस। अच्छा। और क्रीम लगने वाली है और सॉस बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर, बटर, सजावट के लिए चेरी और येलो कलर और नींबू का रस। ओके, मतलब दो भाग है क्या इसके? हाँ, इसके दो भाग है, एक सॉस बनाएंगे हम और एक आइसक्रीम का बेस। ओके, मतलब दो भाग है। ओके, हम पहले क्या बना रहे हैं? पहले हम आइसक्रीम का बेस बनाएंगे। क्या करना है उसमें? पहले दूध लेंगे। उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मतलब पेस्ट जैसा हम बनाएंगे। हाँ, हमें वो कस्टर्ड के जैसे थोड़ा पका लेना है। ओके। और शक्कर अनुमान से। और अब ये हम पका लेंगे। ये होने के बाद उसे ठंडा हाँ, कर लेना। ये मिश्रण होने के बाद इसे ठंडा करना है, उसके बाद हमें उसमें क्रीम और अदरक का रस डालकर फेंटना है और फिर सेटिंग के लिए रखना है। सच कहूँ तो हम दोनों बहुत ही होशियार हैं। ये सिर्फ आप समझे इसीलिए बनाया है, लेकिन हमारे पास ठंडा किया हुआ ऑलरेडी है, ये लेकर आई है, तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। ये साइड में निकाल देंगे और ये जो आप लेकर आई हैं, हाँ, ये मैं इसमें डालूं? इसमें ही डालना है। ओके, अब इसमें क्या क्या डालना है, क्या कहा था इसमें आपने? हमें क्रीम और अदरक का रस। क्रीम और अदरक का रस। क्रीम ये जिंजर आपको कैसे सूझा? क्योंकि आइसक्रीम में जिंजर, आइसक्रीम मतलब जिंजर मैं पहली बार ही देखा। नहीं, मुंबई में खाया था मैंने एक बार, क्योंकि नींबू का आइसक्रीम भी मिलता है ना मुंबई में, और मिर्च का भी मिलता है नेचुरल्स में, इसलिए वहाँ अदरक की आइसक्रीम खाई थी मैंने, तो फिर इमेजिनेशन आई मुझे। ओके, ये कितना डालना है? दो चम्मच। सीधा ही पकड़ू ना ऐसे? और ये ओके, अब इसका क्या करना है? अब ये हम बॉक्स में सेटिंग के लिए रखेंगे फ्रीजर में। हम होशियार हैं हम होशियार हैं। अभी आपको सिर्फ दिखाया है हमने कैसे करना है, वो हमने सेट करके ऑलरेडी फ्रीज में रख दिया था, पता है आपको। हाँ, अब हम जरा आगे चलते हैं। आइए, अब आगे क्या करना है? लेमन सॉस बनाएंगे। वो कैसे बनाना है? हम शक्कर लेंगे, फिर पानी डालना है। थोड़ा डूबने तक डालिए। हाँ, थोड़ा, बस बस बस। अब हमने ये शक्कर इसमें डाल ली है, तो शक्कर मेल्ट होने तक इसे उबाल लेंगे हम, और बाद में कॉर्नफ्लावर का पेस्ट इसमें डालना है। ओके, कॉर्नफ्लावर की पेस्ट कैसे करनी है हमें? वो अब मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके, हम कॉर्नफ्लावर लेंगे इसमें। ओके, कॉर्नफ्लावर लिया, ये भिगोने के लिए अब पानी। अच्छा, ऐसे पेस्ट बनानी है? हाँ, क्योंकि खाली कॉर्नफ्लावर डायरेक्ट अगर डाला तो उसकी गुठलियाँ होती हैं। हाँ, इसीलिए वो पानी में पहले मेल्ट करना है। मतलब जल्दी से गल भी जाता है। हाँ, और वो डालने के बाद लेकिन उसकी गुठलियाँ नहीं होने देनी है, प्लेन होना चाहिए वो ऐसे। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे हम, मतलब बटर से शाइनिंग आती है सॉस में। अच्छा, अलग रंग आ गया। नहीं, अब हम ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ना उसमें येलो कलर डालेंगे और नींबू का रस। ओके ओके, अब ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब ये बेस ठंडा होने के बाद हम ये फ्रीज में सेट करने के लिए रखेंगे। मैं होशियार हूँ, हम दोनों होशियार हैं, हमने ऑलरेडी रखा है वहाँ। क्या है, ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा से मानता हूँ, और खाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, फटाफट फटाफट आना चाहिए अपने सामने। अब ये सर्व करने का तरीका, हाँ, ये है कि हमने जो लेमन सॉस बनाया है उससे और चेरी से गार्निशिंग करना है। ओके, ये यहाँ रख दूँ? ओके, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कब खाऊं इसे।
लाल टोपी पहनानी है ना? हाँ, मतलब वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। रेडी। जिंजर आइसक्रीम विद लेमन सॉस बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: एक कप दूध, आधा कप मिल्क पाउडर, अदरक का रस, आधा कप शक्कर, एक कप क्रीम, कॉर्नफ्लावर, बटर, चेरीज, एक नींबू का रस और खाने का लेमन कलर। विधि: पैन में दूध, मिल्क पाउडर और शक्कर इकट्ठा करके मिश्रण को उबाल लें। ठंडा होने के बाद उसमें क्रीम और अदरक का रस डालकर फेंटकर आइसक्रीम फ्रीजर में सेट कर लें। पैन में शक्कर, कॉर्नफ्लावर और बटर इकट्ठा करके भून लें। उसमें नींबू का रस और लेमन कलर डालकर लेमन सॉस तैयार कर लें। सेट किए हुए जिंजर आइसक्रीम पर लेमन सॉस और चेरी डालकर आइसक्रीम सर्व करें।